उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोर देने वाले चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के गवाहों को अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिस लखीमपुर खीरी कांड को लेकर देश की सियासत में उबाल आया था, अब उसके तमाम गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कारण सिर्फ इतना है कि कोर्ट में गवाही न दे पाए। लखीमपुर कांड के गवाह हरदीप सिंह का आरोप है कि बीते मंगलवार को उन पर गुरुद्वारे से लौटते वक्त जानलेवा हमला हुआ और जान से मारने की धमकी दी गई। हरदीप सिंह का कहना है कि आरोपी तिकुनिया कांड के मामले में गवाही ना देने का दबाव बना रहे थे। इस मामले को लेकर तमाम बड़े लोगों का नाम कोर्ट के सामने है। हरदीप सिंह ने खुद पर हुए हमले के मामले में बिलासपुर थाने में एक FIR दर्ज कराई है। लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड वही है जिसमें किसानों पर जीप चढ़ाकर कई लोगों की जान ले ली गई थी। इस मामले में प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा था। बाद में सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया था। SIT ने इस मामले में एक जांच करने के बाद चार्जशीट दायर की थी जिसमें ये कहा था कि ये एक सोची समझी साजिश है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी बना था। उसे जमानत पर फिलहाल कोर्ट से रिहा किया गया है। वहीं तमाम बार उसे जमानत मिलने पर सवाल खड़े हुए हैं। अब इस मामले में धमकी देने का आरोप लगाते हुए गवाह हरदीप सिंह ने कहा है कि रामपुर की नवाबगंज रोड पर उन्हें तमाम लोगों ने रोका था। उनसे कहा गया कि अगर अदालत में तिकुनिया कांड को लेकर कुछ भी कहा तो गोली मार दी जाएगी। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवालिया निशान लगा है। गवाहों का कहना है कि अगर प्रदेश में कानून है तो उन्हें सुरक्षा दी जाए। सरकार की चुप्पी सवाल के घेरे में है। सब पर आरोप है कि सारी कोशिशें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए हो रही हैं।